हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज न्यूमेरिकल, अभी हमारे पास कंप्रेशन मेंबर का, कल दोनों न्यूमेरिकल किए थे हमने, आज नेक्स्ट केस है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं अभी। फाइंड द सेफ एक्सियल लोड फॉर द कंपाउंड कॉलम सेक्शन ऑफ 2 ISHB 200 एट द रेट 392 न्यूटन पर मीटर एंड 4 प्लेट ऑफ ईच 450 mm एंड 20 mm रिवेटेड एज शोन इन द फिगर 5.3। The column is 6 meter long and is effectively held in position and restrained in the direction at the both end. Take Fy 230 Newton per mm square. देखो ये कहता है कि इसने कहा कि भाई एक्सियल लोड निकाल लो, हमें एक कंपाउंड सेक्शन कॉलम का दे रखा है, एक ISHB है, ठीक है, और दो प्लेटें लगी हुई है उसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे Fy की वैल्यू कल हम पढ़ रहे थे बच्चों 250, आज 230, उसकी मर्जी वो कुछ भी दे सकता है, 210 भी जो टेबल में वैल्यू है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे वो कह देता है कि जो हमारा कॉलम है वो कैसे है, उसकी होल्ड पोजीशन कैसी है, उसने इफेक्टिवली होल्ड कर रखा है और रिस्ट्रेंड है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायग्राम कैसे होगा इसका, ये दो कॉलम हो गए भाई, कंपाउंड कॉलम मतलब दो कॉलम हो गए, ठीक है, और ISHB सेक्शन है, बीम का सेक्शन है हमारे पास, दो प्लेटें लगी ऊपर, टू प्लेट एक ऊपर एक नीचे 415 to 20 mm की, ठीक है, बीच में जो इनका गैप है वो कॉलम के बीच में 250 है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो स्टेप नंबर वन, ये तो स्टेटमेंट थी भी जो आपको गिवन है वो लिख सकते हो, ठीक है। स्टेप नंबर वन में हम जो सोल्व करते हैं, इफेक्टिव लेंथ KL इज इक्वल टू 0.65L अकॉर्डिंग टू द गिवन एंड कंडीशन वेयर L इज एक्टिव लेंथ, एक्चुअल लेंथ 6 मीटर। यहाँ पे भी इफेक्टिव लेंथ क्योंकि पिछले वाली में हम K इंटू में L करते थे, यहाँ पे हमें 0.65L कह दिया। ये कैसे पता लगा भाई 0.65 कैसे कर दिया सर इसने, तो ये लाइन पढ़ो भाई, यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, कॉलम जो हमारा रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रेंड है डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में और दोनों एंड पे। तो इस पे एक टेबल मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो बच्चों, ये रही वो टेबल, ठीक है, आपको एग्जाम में मिलेगी IAS कोड के अंदर। ये आपने देखना कि एंड कॉलम के एंड की कंडीशन क्या है, तो हमारे पास एंड कंडीशन क्या, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट द बोथ एंड। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 0.065 इंटू में एल, तो ठीक है। तो ऐसा ही देखनी है कि आपको कॉलम की पोजीशन क्या दे रखी है, तो हमें रिस्ट्रेंड करी है डायरेक्शन बोथ एंड पे, ठीक है, यहाँ पे वन एंड पे, अलग अलग एंड कंडीशन के लिए अलग अलग लेके चलना है, ठीक है। ये कहां से देखने, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ठीक है, तो के एल कैसे निकलेगा भाई, के एल 0.65 इंटू में एल, एक्चुअल लेंथ 6, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्चुअल लेंथ हमारे पास कितनी आएगी 3.9 मीटर, इसको mm में करता हूं तो मेरे पास कितनी हो जाती है 3900 mm। स्टेप वन खत्म, अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर टू पे आएंगे, हमें निकालना है लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपाउंड सेक्शन का, ठीक है भाई। अब हम कहां पे जाएंगे, हमें क्या दे रखा है, स्टील टेबल में जाएंगे, तो हम किसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, हमें क्या गिवन है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 200 एट द रेट ऑफ 392.4 न्यूटन पर mm, वहां पे हमें आई सेक्शन की वैल्यू, वाई सेक्शन की वैल्यू, इसका एरिया और वेब की थिकनेस सब वहां पे हमें गिवन होगी, तो सब हम उसमें से नोट कर लेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर टू का इतना काम हमारा यहाँ तक खत्म हो गया, अब हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब सेक्शन तो दो हैं, एक एक्स है एक वाई है, हमें कौन सा चेक करना है कि कौन सा लिस्ट चाहिए हमें, तो अब हमारे पास दोनों में से लिस्ट निकाल लेंगे, तो सोल्व करेंगे इसको भाई, किसका लिस्ट है, ठीक है। तो फॉर्मूला इस जगह 2 IXX इंटू में वाई आई सेक्शन प्लस में 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 2 कंबाइंड प्लेट, तो वैल्यू की पुट करेंगे भाई, 2 इंटू में आई वाई वाई की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास ये रही वैल्यू, ठीक है, ये पुट कर दी प्लस में आई सेक्शन, ठीक है, सेक्शन ये जो हमारा पूरा सेक्शन है बच्चों, ठीक है, ये वाला सेक्शन पूरा ले लिया हमने, उसके बाद इनटू में प्लस में 2, ये 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 2 कंबाइन प्लेट, तो प्लेट 2 कंबाइन है भाई यहाँ पे 450, ठीक है, इनटू में 40 अपॉन में 12, 450 इंटू में 40 प्लस में 100 प्लस में 20 का स्क्वेयर। अब देखो सर ये आपको अभी 40 कहाँ से आ गया, हमें तो 20 का साइज गिवन है, थिकनेस का, दो प्लेटें हैं भाई, तो नोट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने पेपर में, ठीक है, तो बी विड्थ कितनी है हमारे पास 450 mm, ठीक है, और थिकनेस कितनी है, अगर एक की 20 है तो 2 की 40 mm हो जाएगी। अब दूसरी चीज क्या चाहिए, मैं सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेट अप टू एक्स एक्सिस,
ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे सी जी को इसकी, तो यहाँ पे हो जाएगी 100 प्लस में टोटल थिकनेस 40 है तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास 100 प्लस में 20 इसका होल स्क्वायर ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी mm 4 की यूनिट में। ठीक है, सेम हमने x का निकाला, अब हम किसका निकाल लेंगे yy का। तो yy का कंपेयर करते हैं हम, ठीक है, तो yy की सारी कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों, इसको निकाल लेंगे लास्ट में तो हमारे पास निकलती है ये वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यू होगी। अब ऑब्वियस सी बात, हमें पता लग रहा होगा कि ये लगभग हमारी वैल्यू एक साइड में 5,97,63,006 mm कुछ है, एक साइड में 7 करोड़ समथिंग है, तो इनमें से छोटी कौन से, तो 5 वाली है, ठीक, 7 वाली तो बड़ी है। तो एक चीज और यहां से भी दे सकते हैं, तो सेक्शन का यहां से भी तो पता लग रहा है भाई ये छोटा है ये बड़ा है, तो लीस्ट कौन सी ले लेंगे हम अपनी एक्स वाली वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हम लिख लेंगे वहां पे। तो अब क्या निकाल लेंगे, टोटल एरिया, तो ए टोटल एरिया निकालने के लिए 2 में 5,094 प्लस में 4 में 450 में 20। अब ये क्या हो गया आपकी 5,094 कहां से आ गया भाई, ये देखो ये हमें गिवन एरिया, ये हमें स्टील टेबल में से मिला था, इसका वेब की थिकनेस 7.8 mm, ठीक है, ये हमने निकाल लिया यहां पे, इसका एरिया भी निकल गया भाई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ये लेडीज लिखा है भाई, इसको लेडीज काट के रेडियस ऑफ जायरेशन कर लेना बच्चों। तो गामा मिनिमम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब तो फॉर्मूला एक्स और वाई अलग अलग था, ठीक है, लीस्ट की वैल्यू निकालनी थी, फिर सेम से वही प्रोसीजर चल गया, यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल जाएगी स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा निकल जाएगा आपके पास, के इंटू में एल इंटू में गामा मिनिमम, के इंटू में एल है, ठीक है, सेफ वैल्यू, सेफ स्ट्रेस निकालोगे एफ ई सी के लिए और एफ आई के लिए, ठीक है, इंटरपोलेट करेंगे टेबल नंबर 53 से, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 131.86 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और सबसे लास्ट में सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी पी इक्वल टू एफ एस इनटू में टोटल एरिया, टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वैल्यू निकल जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे।